तो भैया आज हम पापा की परियों के कुछ कारनामे देखेंगे जिन्हें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा जाएगा। खास में भी ऐसी लड़की पटा पाता है। खास करके आप लोगों को तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे वीडियो ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए जिसे देखने के बाद आप लोगों को तो भाई। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी पापा की परियां जिनकी शादी की डोलियां कैसी होती हैं और ये शादी करने के लिए किस हद तक गिर जाती हैं। चलो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को दो लड़कियां देखने को मिल रही है, पीछे एक बुड्ढा खड़ा है। अब इस बुड्ढा का इन दोनों लड़कियों से क्या वास्ता है, क्या संपर्क है, चलो देखते हैं। ओ भाई और दादा रे 300 बाबू है गले मिल रही। ओ भाई दोनों को रख लूंगा। भाई यहाँ हम जैसे सिंगल लड़कों को कुछ मिल नहीं रहा है और यहाँ बुड्ढा देख रहा है बुड्ढे की दो दो गर्लफ्रेंड यहाँ पर साथ में हैं और दोनों बुड्ढे के लिए कैसे मर रहे हैं। यहाँ तो कोई अगर किसी से बात भी हो जाए तो ब्लॉक करके चली जाती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे मैं क्या बताऊँ मैं क्या बताऊँ। खैर वो सब छोड़ो, आप देखते हैं अगली वीडियो में क्या तड़का है वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। ओके भाई दादा अभी क्या कर रही है, क्या डाली में। अबे भाई लड़के को छोड़। भैया ऐसे पापा की परियां मिलेंगे कहाँ यार, वो लड़का की किस्मत देखो। अगर हम किसी को किसी करने को बोले तो तुरंत घट से ब्लॉक कर देती है और यहाँ पर देख रहा है मतलब ये लड़की छोड़ नहीं रही। मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर यार, इनकी जिंदगी का क्या ही बता दूं। मुझे भी किसी करती है। चलो तो हम अगली वीडियो देखते हैं, अगली वीडियो में ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो भैया ये वीडियो में जो है ना क्रिकेट की आवाज़ है और अगर मैं क्रिकेट की आवाज़ डालूंगा तो स्ट्राइक लग जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को वॉइस म्यूट करके दिखाऊंगा ये वीडियो। चलो ओके अच्छा। ओ भाई दो लड़कियों की लड़ाई चल रही है। ओ भाई बस है या ट्रेन, कमेंट करके बताना कि ये बस है या ट्रेन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीट को लेकर यहाँ पर दो लड़की लड़ाई चल रही। तीसरी लड़की भी आ चुकी है, सफेद वाली को पीली, पीली वाली काली वाली बहुत भयानक मार मार रही। और दादा रे दादा मतलब टिकट हमने भी कटाए, टिकट तुमने भी कटाए, ये इसकी बहस में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुंबई लोकल जर्नी, अगर आप लोग मुंबई जाओगे मुंबई के रहने वाले तो आप लोगों के साथ भी यही हादसा हो सकता है। 53 साल हो गई है। 53 साल 22। इनके लिए मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों शादी कर ले, मेरी अपना अभी तक शादी नहीं हुई। कुछ भी, ये क्या मजाक हो रहा है। मतलब आप लोग देख सकते हो इस बुड्ढे की एज 53 साल की और ये लड़की 22 साल की है और ये बुड्ढा ने अभी तक शादी नहीं किया है। मतलब पिछले 53 साल से ये लड़की का इंतजार कर रहा था कि 23 साल की कोई बच्ची आएगी और मुझसे शादी करेगी। यार मैं भी स्कूल जाती हूँ, लड़की को लाइन मारता हूँ। जली ना। मतलब यार बुड्ढे खा रहे हैं चमनप्रास और हम लोगों को नहीं मिल रही खेत की भी घास। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो कोई नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक मास्क लगाया हुआ मेन है। चलो क्या है यहाँ खुशी देखो दूल्हे की। ओ भाई ताली बजा रही है जोनी सिंस। दुल्हन कितनी स्मार्ट है दुल्हा। ओ भाई काला साग काला साग ए काले साग इन लोगों को मिल रहा है चवनप्राश। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। तो चलो अगली वीडियो जो मैंने आप सभी लोगों के लिए लाया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो लड़के हैं, दोनों ने अपने गले पर जो है हार पहने हैं। आप देखते हैं यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। शादी कर ली है, मैं हस्बैंड हूं मेरी वाइफ है। ओ भाई वाइफ बना वाइफ है ये। प्यार करना गलत है, लड़के ने लड़के से शादी कर ली, एक उसकी वाइफ बन गई। मतलब यार क्या ही हो रहा है जिंदगी। तो चलो अगली वीडियो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओ भाई एक अंकल जी और एक लड़की है। कैसा करे लग रहे हो, शर्म आएगी उस तुम्हारे को। शर्म क्या कर दिया, शर्म। कितनी उम्र है आपकी पहले बताओ। 19 साल की लड़की। तुम्हारी कितनी है। मेरी 55 साल है। 55 साल। बोलो आप। चलो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओ भाई तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपके माँ बाप आपको स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए और आप स्कूल में अपने ही टीचर के साथ। टीचर है, टीचर।
मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि लड़कियां बिजनेसमैन को छोड़ देती हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले को कभी नहीं छोड़ती, चाहे लड़कियों की एज आधी हो या दुगनी हो, ये लड़कियां ना भाई गवर्नमेंट जॉब वाले को ही तकती रहती। मतलब आप लोग देख सकते हो 55 साल का बुड्ढा और 19 साल की लड़की, ऐसा मत करो मेरी जान, फूटी किस्मत, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो चलो यहाँ पर आप लोगों को एक आंटी जी दिख रही है, देखो भाई मुझे तो मेरे हिसाब से आंटी लग रही है, और एक छोटा सा बच्चा, अरे भाई इन्हें दोनों ने वरमाला पकड़े हैं, चलो क्या सीन है देखते हैं। इसके फादर ने मेरे से कर्जा लिया था, वो मुझ चुका पाई नहीं है, ओके इससे शादी करना चाहता है। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11 साल। 11 साल का बच्चा? कितने साल की? भाई माला भी पहना दी सबके सामने। चलो भाई खुश। भाई यार मैं ये पूरी वीडियो तो दिखा नहीं पाऊंगा वरना स्ट्राइक के चांस बढ़ जाएंगे। मतलब क्या ही सीन हो रहा है यार, छोटे बच्चे के साथ ये लड़की लोग शादी कर रही हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बुड्ढा ने एक लड़की को हक किया, शायद वो उसकी बेटी होगी। बुड्ढे की भी गर्लफ्रेंड? ओ भाई मतलब ये बुड्ढा की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की एज लगभग 20-22 साल की होगी, वो बुड्ढा क्या क्या बकबक कर रहा है भाई, चाहे वो इधर दे चाहे वो भाई अब मैं क्या बता दूं। चलो मतलब चलो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, यहाँ पर एक प्यारी सी क्यूट लड़की है वो भाई ऑफिशियल, चलो भाई देखते हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं 20 साल की हूँ। okay. हम खेती बाड़ी करते हैं और घर का मुझे सारा काम आता है। okay. और बस लड़के को हम दहेज नहीं दे सकते। okay. इतना है, ये खेत है जो भी मेरे नाम है, फिर मेरे पति के नाम हो जाएगा। okay. जिससे भी मैं शादी करूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी। बल्ले बल्ले अब तो शादी करने के लिए लड़की मिल गई। चलिए यहाँ पर हम अगली वीडियो देखते हैं, अगली वीडियो में ऐसा क्या मजा आने वाला है जिसे देखने के बाद हम लोगों को आहा। ये तो मीठा, ठीक है, इस बंदे का इतना सा तो है, तो मतलब मजे तो चाहिए ना भाई इंसान को पूरे। अब मेरे को ना ऐसे बंदों की जरूरत नहीं है। ओके। मैं लग रहा लड़कों। भाई 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 अभी ये लड़की मेरे को इधर दिख रही थी क्या? इधर नहीं यार, वो दूसरी लड़की शायद, अभी वो दूसरी लड़की थी है ना, मुझे ऐसा। अच्छा ये लड़की यही थी क्या वो? अरे समझ में नहीं आ रहा, उसी के जैसे सेम दिख रही, नहीं ये दूसरी यार। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि लड़कियों, आज की लड़कियों को क्या चाहिए, आप लोगों की कहां कहां क्या क्या सोच रहे हो, लेकिन आज कल की लड़कियों को क्या चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हो लड़का लड़की ऊपर देख रहे हैं क्या है वो, भाई होली में दिवाली का सीन। हाँ भाई तेरा क्या जा रहा है? अरे अरे दादा रे, मतलब यार शहरों की बात तो अलग है, गांवों में क्या होता है कि घर वर अच्छे से नहीं होते, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बड़े बड़े कांड भी होते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर अभी कुछ और वीडियोस बची हैं जो कि मैं पार्ट टू इसका बनाऊंगा, तब आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दबा के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 20 लाइक। अगर आप लोग इस वीडियो पर 20 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो मैं इसका पार्ट टू भी जल्दी लाऊंगा।